हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, व्रत के लिए बनाते हैं कुछ नाश्ता। देखिए, साबूदाना है, लौकी है, सब चीज मिक्स करके सब्जी की तरह बनाते हैं। सब्जी, खिचड़ी, जो भी कहिए। तो साबूदाने को पहले धुल के हम रख लेंगे। ये कच्चा साबूदाना है, इसको भिगाना नहीं है। गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें घी डाले हैं। तो थोड़ा सा मूंगफली, मखाना और थोड़ा सा बादाम डाल के इसमें हम भून लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं। वो कुरकुरा होने तक भून लेंगे। अब कढ़ाई गरम कर दिए हैं, इसमें हम जीरा डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दिए हैं, करी पत्ता डाल दिए। अब इसको भून लेंगे। तो इसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर पहले से ही काट के रख लिए थे। ये लौकी है, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा बीन्स है। आप जो नहीं खाते हो वो मत डालिए। तो ये सब्जी इसमें फिर डाल दे रहे हैं, इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सब्जी भी हमारी भुन गई है। अब इसमें हम साबूदाना धुल के लाए हैं और इसको डाल दे रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, व्रत का है तो सेंधा नमक डालिएगा। और इसको चला के दो बार भून लेंगे। ये काली मिर्च है आधा चम्मच। दो बार भुनने के बाद इसको हम पानी डाल देंगे इसमें। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। अब इसमें जो मखाना, मूंगफली सब भुने हैं इसको डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको अभी चलाते रहेंगे जब तक एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। देखिए उबल गया था, तो इसको सिम कर दिए हैं और दोबारा चेक कर रहे हैं। अभी आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है। इसको सिम करके गैस पे छोड़ देंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि साबूदाना अच्छे से पक जाए। जब तक ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा नहीं तब तक इसको पकाते रहेंगे। देखिए कैसे मोती की तरह दिख रहा है, इसका मतलब आप साबूदाना पक चुका है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब ये साबूदाना हमारा खाने के लिए तैयार है। देखिए कोरियन सूप की तरह दिख रहा है। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।